त्योहारा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 206वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में आए अतिथियों का अमोबा के पदाधिकारियों द्वारा बैच लगाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, बिजनौर के स्योहारा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन द्वारा सर सैयद अहमद खां की 206वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इश्तियाक अली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बदायूं ने किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी है तालीम, जिस पर सर सैयद साहब ने काम किया। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए तालीम के लिए काम करना चाहिए और आपस में सभी देशवासियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी अमोबा जावेद शम्स ने बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश का एक उत्कृष्ट संस्थान है जिसकी स्थापना का सपना सर सैयद अहमद खान ने देखा था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने उनकी शिक्षा का बीड़ा उठाया और स्कूल खोलने से शुरुआत की। आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने एक कॉलेज खोला जो बाद में यूनिवर्सिटी में बन गया। आज तक इस यूनिवर्सिटी से कई नामी गिरामी हस्तियां पढ़कर दुनिया में अपने देश और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर चुकी हैं। कार्यक्रम का संचालन फहीम कुरैशी, डीडी न्यूज और जावेद शम्स जनरल सेक्रेटरी अमोबा ने संयुक्त रूप से किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर खुर्शीद हसन अध्यक्ष अमोबा ने की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए सर सैयद खान के दिखाए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉक्टर कमाल अहमद, उबेद उर रहमान, पूर्व विधायक कांट अनीस उर रहमान, डॉक्टर आसिफ अंसारी, डॉक्टर खुर्शीद हसन, अहसन एडवोकेट, अरशद जमाल जैदी, जावेद शम्स, फहीमुद्दीन एडवोकेट, डॉक्टर साबिर जैदी, डॉक्टर अजीमुद्दीन, डॉक्टर जेपी शर्मा, हाजी जीशान अली, पालिकाध्यक्ष शेख फैसल वारसी, डॉक्टर साबिर, फिरोज हैदर सहित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन AMU के तराने के साथ किया गया। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट।